भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किया जाएगा सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर दी बधाई, कहा देश के विकास में आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू सहित देश भर के कई गणमान्य लोगों ने आडवाणी जी को सर्वोच्च सम्मान देने के निर्णय पर जताई खुशी। आडवाणी जी को राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प का बताया प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा न्याय को सुनिश्चित करने के लिए देशों के बीच सहयोग जरूरी। कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का किया उद्घाटन। 3 नए आपराधिक कानूनों में दंड के बजाय न्याय पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्राकृतिक गैस, कोयला और विद्युत उत्पादन से जुड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ सर्वेक्षण पोत आईएनएस संध्याक। ये पोत हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में होगा सहायक। उत्तराखंड में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को आज रखा जाएगा मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद 6 फरवरी को विधानसभा में किया जाएगा पेश। और विशाखापट्टनम टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए 396 रन। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने जड़ा दोहरा शतक। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बड़ी खबर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की है और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। वो हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का रहा है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनका संसदीय आचरण हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर की है। तो राम जी की कृपा इतनी जबरदस्त हुई कि श्री एल के आडवाणी जी को भारत सरकार ने भारत रत्न दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि हम सबके प्रेरणा स्रोत एवं देश के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने के निर्णय से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। वो राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। आडवाणी जी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है और प्रेरणास्पद भी है। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्य रखने में भी उनकी महती भूमिका रही है। एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्होंने अपनी विद्वता, संसदीय एवं प्रशासनिक क्षमता से देश और लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिलना हर भारतवासी के लिए हर्ष का विषय है।
मैं इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं एवं आडवाणी जी का अभिनंदन करता हूं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रेरणा स्रोत लालकृष्ण आडवाणी जी का भारत रत्न से सम्मानित किया जाना हमारे और पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। हमारे प्रेरणा स्रोत लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने कहा कि मुझे और पूरे परिवार को बहुत खुशी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया और देश के शुक्रगुजार हैं। बहुत खुशी है मुझे भी पूरे परिवार को कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे, और उन्होंने यही चीज़ बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के पुत्र जयंत आडवाणी ने अपने पिता को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। On this new development, I would like to thank the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for conferring this award on my father. My father has been in public life for many decades and his contribution to public life has been immense. And it is wonderful to note that at this stage of his life, his efforts are being recognized in this magnificent way. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी प्रसन्नता जाहिर की है। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है, ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि भारत का एक ऐसा सपूत जिसने पूरा जीवन देश सेवा में लगाया, पूरा जीवन राष्ट्र की जनता की सेवा में समर्पित किया, और भारतीय जनता पार्टी को आज की ऊंचाई तक पहुंचाने में एक आधार स्तंभ की तरह जिन्होंने सेवाएं दी, ऐसे हम सबके प्रिय, हम सबके मार्गदर्शक माननीय श्रद्धेय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को सम्मानित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का स्वागत किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि मैं गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के सरकार के फैसले पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आडवाणी जी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और उन्होंने मेरे जैसे सामान्य पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया। एक युवा सांसद के रूप में मुझे लोकसभा में अपना कर्तव्य निभाने में उनके प्रोत्साहन मिला। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का स्वागत किया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि देश के वरिष्ठ नेता राजनीतिक शुचिता के लिए जीवंत उदाहरण,
प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने का समाचार अत्यंत सुखद है। राजनीति की दिशा मोड़ने वाले श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मीय आभार। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि यह हमारे लिए बेहद हर्ष एवं प्रसन्नता का क्षण है। हम सभी के मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आडवाणी जी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष होने के साथ ही शुचिता और प्रतिबद्धता के सशक्त प्रतीक हैं। श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन में भी आपकी भूमिका एक मजबूत स्तंभ के रूप में रही, जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अपने दूरदर्शी नेतृत्व से भारत के विकास में उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में आपके द्वारा दिया गया अभूतपूर्व योगदान अविस्मरणीय है। केंद्र सरकार द्वारा आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमारे वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। आडवाणी जी आजीवन निस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहे हैं। देश के उप प्रधानमंत्री जैसे विभिन्न संवैधानिक दायित्वों पर रहते हुए उन्होंने अपने दृढ़ नेतृत्व से देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। और आपको सीधे लिए चलते हैं प्रतिभा आडवाणी, आडवाणी जी की बेटी, इस समय क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। जी, जब राम मंदिर की बात आती है तो आडवाणी जी का नाम साथ में लिया जाता है कि जर्नी ही स्टार्ट उनके थ्रू हुई थी। तो जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान हुई, इनको इनविटेशन आया, तो उस टाइम पे क्या एक्सप्रेशन थे, बिकॉज उस टाइम पे इनका पब्लिकली बहुत खुश थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी उस समय दिया था, वो बहुत खुश थे। स्वाभाविक है कि उनके जीवन का एक ऐसा सपना जिसके लिए उन्होंने काफ़ी समय से संघर्ष भी किया, उसमें मेहनत भी की, वो सपना पूरा हुआ, तो इसके लिए वो बहुत खुश है। जी, अभी जब पीएम की बातचीत हुई, पीएम ने खुद ट्वीट करके बताया कि मेरी बातचीत हुई है आडवाणी जी से, तो उस टाइम पर क्या बातें हुई? वो बहुत बहुत भाव विभोर हैं, सुबह से आंखों में आंसू है। जो अक्सर उनकी उनकी उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई उनकी प्रेज करता है तो उनके स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं आंखों में। दूसरे टाइम जब आते हैं, जब वो तिरंगे को सलाम करते हैं, ये दो समय में, या उनकी कोई ज़्यादा प्रशंसा करे तब आते हैं, या फिर देश से कुछ लेने देने वाली बात हो तब आते हैं। तो ही इज़ वेरी ओवरवेल्म्ड एंड ही वॉन्ट्स टू थैंक the Prime Minister, Shrimati Draupadi Murmu, and more importantly, the people of the country. And he feels very satisfied and gratified at this stage of his life. अगर अपने रिजीम में वो किसी को याद करते हैं इस टाइम में जो उनके साथ में थे, तो उस बारे में कुछ पहले का? उन्होंने मैंने जब बात करी तो दीनदयाल जी, अटल जी, और अगर निजी जीवन में देखा जाए तो माँ को बहुत याद करते हैं। माई मदर वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू हिम, न केवल राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक तो था ही, राजनीतिक जीवन में हर समय उनके साथ रहती थी। तो जब से माँ गई 2016 से, तब से आई हैव ट्राइड टू फिल इन दैट गैप, बट ऑफ कोर्स माँ वाज माँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये आप प्रतिभा आडवाणी को सुन रहे थे, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी की बेटी हैं, और वो बता रही थी कि कितना खुश हैं इस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा के बाद। आप ये देखिए मिठाई खिलाते हुए ये दृश्य, पिता और पुत्री के, लाल कृष्ण आडवाणी जी को बेटी प्रतिभा आडवाणी मिठाई खिलाते हुए, तो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आप देखिए उनका देश के विकास में एक बड़ा योगदान रहा है। राम मंदिर के आंदोलन को शुरू करने वाले आडवाणी जी, उन्होंने राम मंदिर बनते हुए भी देखा है। तो ये जो समय है, ये एक गोल्डन समय है उनके लिए, और इस समय भारत रत्न से सम्मानित किया जाना ये खुशी का क्षण है, एक भावुक क्षण है उनके लिए। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर जगह जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सभी लोग अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि केंद्रीय
भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले पर बधाई दी है। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सूत्रधार भी बताया है। हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों के को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को जो संस्कार आडवाणी जी के, अटल जी के या पार्टी के या मिले हैं, वो संस्कार जो है वो आडवाणी जी और अटल जी की देन है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हम सब लालकृष्ण आडवाणी को बधाई देते हैं। उन्होंने शुचिता के साथ पूरा जीवन काल व्यतीत कर दिया और देश को अपने शासनकाल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और प्रदेश में काम हुआ है, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के साथ पूरा जीवन काल व्यतीत कर दिया और देश को अपने शासनकाल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का निर्णय उनके सार्वजनिक जीवन में दशकों की सेवा, प्रतिबद्धता और राष्ट्र की अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता तथा राजनीतिक जीवन में शुचिता व नैतिकता के उच्च मानक स्थापित करने वाले उनके अद्वितीय प्रयासों को सम्मान प्रदान करने वाला है। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में किए गए उनके अथक प्रयास हम सभी के लिए अद्वितीय प्रेरणा के स्रोत हैं। आदरणीय आडवाणी जी को हार्दिक बधाई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आडवाणी जी को भारत रत्न मिलना भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। माननीय आडवाणी जी को भारत रत्न मिलना हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो बहुत उत्साह की बात है, क्योंकि हम जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता उनके सानिध्य में पले बड़े हैं। वो एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में भी, एक अच्छे प्रशासनिक रूप में भी, प्रशासक के रूप में भी और साथ साथ एक राजनेता के रूप में उन्होंने। और आपको दिखाते हैं इस समय जयंत आडवाणी क्या कह रहे हैं। का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है और ये परिवार के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जी, अगर बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर की जो लड़ाई थी वो आडवाणी जी से शुरू हुई थी। जब राम मंदिर की बात आती है तो आडवाणी जी का नाम साथ में आता है। उसके बारे में अगर आपकी कॉन्वर्सेशन हुई या जब प्राण प्रतिष्ठान का दिन था, वो जब टी वी पर देख रहे थे, तो क्या कैसा माहौल था, कैसा उनके फेस पर एक्सप्रेशन थे? देखिए, 1990 में आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी जो राम मंदिर के निर्माण के लिए थी और 1990 से लेके अब तक, आज 2024 हो गया है, इतने वर्षों तक कई लीगल केसेस भी आए, कई और बातचीत हुई, लेकिन आज मंदिर हमारे सामने आया है और ये एक निश्चित रूप से उनके जीवन काल में हुआ है। तो इसकी बहुत हमें प्रसन्नता है कि जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और जो आंदोलन इतना अपनी चरम सीमा तक गया, आज उसे हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। मंदिर आज हमारे सामने बन रहा है और बहुत उसकी हमें खुशी है। निश्चित रूप से उन्होंने एक ये आयोजन किया था इसका, पूरा मूवमेंट का आज हम देख रहे हैं उस अपने सामने, बहुत अच्छी बात है। सर, एक आखिरी सवाल लूंगी, अब जैसे जब अनाउंसमेंट हुआ कि भारत रत्न दिया जाएगा, तो क्या कोई बातचीत हुई कि लीडर्स आएंगे या आपकी तरफ से कोई? नहीं, ऐसी अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, अभी ये आज की ही न्यूज़ है,
तो जो आएंगे उनका स्वागत है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात है नहीं। बहुत धन्यवाद। तो ये जयंत आडवाणी को आप सुन रहे थे, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के सुपुत्र। उन्होंने बताया कि कितना प्रसन्न है आडवाणी जी, ये भारत रत्न जैसा पुरस्कार उनको दिया जाएगा उसे लेकर। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस प्रकार राम मंदिर आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी, रथ यात्रा की थी 1990 में, और अब जब वो राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तो उनके लिए ये प्रसन्नता का क्षण है। आडवाणी जी के जीवन परिचय पर चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि 8 नवंबर 1927 को उनका जन्म हुआ। 1936 से 1942 तक कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में पढ़ाई की, 10वीं तक हर क्लास में टॉप किया। 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिडुमल नेशनल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। 1944 में कराची में मॉडल हाई स्कूल में बतौर शिक्षक उन्होंने नौकरी की। 12 सितंबर 1947 में बंटवारे के बाद सिंध से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। 1947 से 1951 तक अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में आरएसएस को उन्होंने संगठित करने का काम किया। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी की सहायता के लिए वो दिल्ली शिफ्ट हुए और 1958 से लेकर 1963 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ में सचिव का पदभार संभाला। अप्रैल 1970 में राज्यसभा में प्रवेश किया और दिसंबर 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 26 जून 1975 में बेंगलोर में आपातकाल के दौरान वो गिरफ्तार हुए। भारतीय जनसंघ के अन्य सदस्यों के साथ जेल में भी कैद हुए। मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। मई 1986 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। 1980 से लेकर 1986 तक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बनाए गए और मई 1986 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान हुआ। 3 मार्च 1988 में वो दोबारा पार्टी अध्यक्ष बने। 1988 में तत्कालीन सरकार में गृह मंत्री बने और 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। अक्टूबर 1999 मई से लेकर मई 2024 तक वो केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभाले। और लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर को हुआ था। 1927 में 8 नवंबर को लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्म हुआ था। एक लंबा सफ़र, एक लंबी यात्रा और देश के विकास में उनका योगदान जो है वो अतुलनीय है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफ़र लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे समाचार मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।